नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पहले वीडियो में आपने ट्रांजिस्टर और 4558 IC पर आधारित अनबैलेंस्ड माइक प्री एम्पलीफायर के सर्किट के बारे में जाना। 4558 पर आधारित इस सर्किट को आप स्प्लिट सप्लाई यानी ड्यूल सप्लाई पर भी चला सकते हैं। यह है इसका सर्किट डायग्राम। पावर सप्लाई के अतिरिक्त इसमें एक मामूली बदलाव है, वह यह कि इनपुट और आउटपुट पर लगे दोनों कंडेंसरों को बाइपोलर लगा दिया गया है। 10 mFd बाइपोलर आपको ना मिले तो दो साधारण 22 mFd लेकर उनको बैक टू बैक जोड़ लें और उनको बाइपोलर बना लें। इस सर्किट को आप प्लस माइनस 5 से प्लस माइनस 12 वोल्ट तक की सप्लाई पर चला सकते हैं। अब बैलेंस्ड इनपुट के लिए डिफरेंशियल प्री एम्पलीफायर के सर्किट के बारे में। पिछले वीडियो में आप बैलेंस्ड इनपुट के फायदे जान चुके हैं। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लें। डिफरेंशियल प्री एम्पलीफायर भी इसी 4558 के सर्किट में मामूली बदलाव करके बनाया गया है। यह है डिफरेंशियल प्री एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम। 4558 का पिन नंबर 3 जो अनबैलेंस्ड में पहले ग्राउंड था, अब उसको दूसरे इनपुट के लिए खोल दिया है। इस तरह से अब यह सर्किट डिफरेंशियल इनपुट के लिए पूरी तरह से तैयार है। अच्छी बात यह है कि इस सर्किट को आप बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों के लिए ही उपयोग में ला सकते हैं। अनबैलेंस्ड के लिए XLR सॉकेट का पिन नंबर 3 ग्राउंड कर दें और माइक इनपुट केवल पिन नंबर 2 पर ही थे। इस सर्किट का रेस्पॉन्स और गेन पहले जैसा ही है, केवल नॉइस रिजेक्शन का अंतर है। बेहतर परिणाम के लिए 1% की मेटल फिल्म रेजिस्टेंस ही लगाएं। अब इस सर्किट को टेस्ट करते हैं। ये 1 किलो साइकिल के 2 सिग्नल हैं जो एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेस में हैं। अब इनको हम इस एम्पलीफायर में फीड करते हैं। दोनों सिग्नल इसमें फीड कर दिए हैं। आउटपुट IS की ये 40 mV, 1 mV का सिग्नल है। अब इस सर्किट की हम नॉइस रिजेक्शन चेक करेंगे। दोनों चैनलों में नॉइस फीड कराते हैं। ये पिंक नॉइस है और ये हम इसमें सर्किट में हमने फीड करा दी है। ये पिंक नॉइस है लेकिन आउटपुट इसके बिल्कुल क्लीन है। अब अगर यही नॉइस हम सिर्फ एक चैनल में दें, दूसरे में ना दें, तो देखिए क्या होता है। ये नॉइस मैंने एक चैनल में दी है तो नॉइस पूरी सिग्नल को भी उसने खराब कर दिया है उस नॉइस ने। अब ये नॉइस दोनों चैनलों में है, आउटपुट बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम सिग्नल अगर हम दोनों चैनल में देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। इसमें दोनों सिग्नल जो अभी आउट ऑफ फेस हैं, हम दोनों को सेम फेस में करके देखते हैं। अभी ये एक चैनल का सिग्नल जो फेस बता रहा है 0-0 और ये दूसरे चैनल का सिग्नल जो है 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। तो हम जैसे जैसे इसको 0 की तरफ लाएंगे, ये सिग्नल जो है देखो ये कम होना शुरू हो गया और अब ये 0 हो गया, तो इधर आउटपुट भी 0 हो गई। दोनों सिग्नल का फेस हो गया सेम, तो इसलिए इसकी आउटपुट 0 हो गई। दोनों सिग्नल का फेस सेम होने से आउटपुट इसकी नील हो जाती है। अब ये देखिए दोनों को सिग्नल मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों का फेस सेम है। ये देखिए दोनों सिग्नल का फेस सेम है। जैसे जैसे ये आउट ऑफ फेस हो जाएंगे वैसे वैसे ये देखो, अभी मैं आउट ऑफ फेस कर रहा हूँ इसको दोबारा से, ये 180 डिग्री दोनों एक दूसरे के दोनों अपोजिट हो गए अभी ये। तो अब अगर हम इसमें फीड कराएंगे तो अब आउटपुट आएगी। ये देखिए आउट ऑफ फेस सिग्नल होते ही आउटपुट फिर आ गई। तो
तो इस प्रकार हमने देखा है कि डिफरेंशियल इनपुट वाले जो एम्पलीफायर हैं बैलेंस्ड आउटपुट के लिए नॉइस रिजेक्शन में बहुत कारगर हैं। किसी भी तरह की नॉइस अगर दोनों चैनलों में समान रूप से अगर वो शामिल है तो उसको बहुत अच्छी तरह से ये रिजेक्ट करते हैं। अब अगला वीडियो वर्चुअल ग्राउंड मिक्सर पे होगा। साथ बने रहें, देखते रहें, दिवाली को प्रदूषण मुक्त बनाएं। धन्यवाद।